नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजीत। आप देख रहे हो ड्राइवरी का चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले बुधवार को मैंने अपना वीडियो जो है ऑनगोइंग सीरीज एफिलिएट मार्केटिंग का दे नहीं पाया, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो खराब हो चुका है और फिलहाल जो बारिश चल रहा है बाहर और लॉकडाउन चल रहा है बंगाल में, तो उसके चलते हुए मैं रिपेयरिंग पे उसको डाल नहीं पा रहा हूँ। इसके चक्कर में पिछले बुधवार को मैंने वीडियो जो है वो बना नहीं पाया और एडिट उसको नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो इसी बात पे शुरू करेंगे आज का ये एपिसोड। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग प्रमोशन जो करने वाले हैं, कौन से वे आउट में हम उसको प्रमोशन कर सकते हैं। वो तो मैंने लास्ट एपिसोड में बता दिया था कि हम लोग FB एड्स लगा सकते हैं या फिर FB के पेज बना सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं हम उसका फायदा जो है अपने एफिलिएट लिंक्स को शेयर करने में और अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन आज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कोड़ा। जी हाँ, यहाँ पे कोड़ा का नाम शायद आपने सुना होगा या फिर हो सकता है कि शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है बराबर से नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलता रहे। चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं और देखते हैं कोड़ा में हम लोग कैसे ट्रैफिक अपने साइट्स पे जो है वो भेज सकते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे अपने ट्विटर अकाउंट पे हो या फिर अपने वेबसाइट पे, हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बता दूं, लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि फेसबुक पेज पे तो चलिए हम लोग फिलहाल अपना एफिलिएट लिंक डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डायरेक्टली अपने एफिलिएट लिंक्स के अमेजन के शेयर नहीं कर सकते। अगर आप लगातार करते रहोगे वहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लिंक जो है वैलिड लिंक काउंट नहीं होगा और उसके चक्कर में आपका सेल अगर हुआ भी तो वो काउंट आपका नहीं होगा और आपका कमीशन जो है वो बनेगा नहीं, तो उसको मेहनत करके फायदा है नहीं। बहुत से लोग आपको गलत सलत सिखा देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उन्होंने बुद्धू बना के तो उनका वॉच टाइम और उनका पैसा जो है वो बना सकते हैं, तो उसके लिए वो गलत चल रही इंटरनेट पे बहुत कुछ जो है हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन आपको सिंपल एक चीज करना है, आपको अमेजन के एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह से समझना है। अगर समझ में ना आए तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो पुराने एफिलिएट मार्केटर्स के ऑलरेडी बना के रखा है, तो वहां पे जाइए, वहां पे देखिए या फिर दूसरा कोई वेबसाइट को अब सर्च कीजिए जहां पे आपको डिटेल में उसका जो एक्सप्लेनेशन वो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात किया गया कि वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट छोड़ के कोई भी ट्विटर पे जो है हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसका लिंक नहीं डाल सकते हैं अमेज़न का, तो उसको फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो आपका वो लिंक जो है एफिलिएट का वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज टॉपिक पे बात करने वाले, जैसे मैंने बताया कि कोड़ा के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोड़ा को आपको ढूंढने के लिए क्या करना है। QURA, ये आपका कोड़ा का स्पेलिंग है, तो आपको ये जस्ट टाइप करना है, आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे अपना सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है डेली बेसिस पे उसका जवाब देते हैं, तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो लोग यहाँ पे आके सवाल के जवाब देते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं इसके होम स्क्रीन के ऊपर और ऑलरेडी मेरा लॉगिन किया हुआ है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको एक बार रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इस पे आपको जवाब या सवाल पूछने के लिए, तो आप इस पे जरूर जाइएगा और इसको जरूर इसका फायदा उठाइएगा आपके वेबसाइट पे परमानेंट ट्रैफिक भेजने के लिए। प्लस आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिलेगा, वो है लिंक बैक। जी हाँ, कोड़ा का जो पेज रैंक है बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि मिलियंस में यहाँ पे आपको जो है ट्रैफिक आता है, तो यहाँ से अगर आप वैलिड लिंक बैक कीवर्ड से ऊपर बेस करके बना के अपने साइट से भेजोगे तो गूगल और बाकी सर्चिंग के नजर में आपका रैंक जो है बहुत ही ऊपर चला जाएगा बहुत ही जल्दी। यहाँ पे जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज योर क्वेश्चन लिंक, आप यहाँ से अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में या फिर दूसरा कोई भी सवाल हो, यहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और बहुत सारे आपको सवाल जो है वो मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसको सर्च करके आप पूछ सकते हैं या फिर आप जो जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आप यहाँ पे सवाल को सर्च कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाउ टू बाई ए डोमेन, तो यहाँ पे हाउ टू बाई लिख दिया मैंने, ये डोमेन यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाउ मच डज इट कॉस्ट और डोमेन नेम, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो जवाब जो है वो दिया है। आप भी चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एफिलिएट लिंक जो है आंसर में
ऑर्गेनिकली यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई बाई ए डोमेन, अगर आप मैं इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए ये सवाल जो है कैसे डोमेन को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है डिटेल में आपको पढ़ना है, आपको समझना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तभी आपको नीचे जो है आंसर फीड में जाके आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो पोस्ट है उसका आंसर कुछ क्लिक करके टाइप कर लिया और यहाँ से हम लोग उसको पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली अपना एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मीर इरशद खान जो इसका जवाब दे रहे हैं बहुत ही अच्छा, एक कूपन कोड का ऊपर उन्होंने एक चीज दिया है, साथ ही साथ में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक लिंक बैक क्रिएट किया है, गेट 66% ऑफ प्लस डोमेन प्लस SSL सर्टिफिकेट फ्री। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो सिंपल सिंपल आप उनके वेबसाइट पर जाके लैंड करोगे, वहां पे आपको बाकी डिटेल्स मिलेंगे इसके बारे में और वहां पे उन्होंने अपना एफिलिएट लिंक जो है वो देके रखा होगा, तो वहां से अगर आप परचेस करोगे तो उनको कमीशन जो है वो मिल जाएगा। अब आप सोचिए अगर आप डेडिकेटेडली और डेस्परेटली चाहते हैं कि एक डोमेन को कैसे परचेस करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे इस सवाल पे आए, इसके जवाब जो है आपने पढ़ा और आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक ऑफर लगा के 66% तक आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। वहां पे जाके आप डिटेल्स में आए और डिटेल्स के बाद आप जाके वहां से जो है परचेस वो कर सकते हैं, तो उनको कमीशन जो है वो मिल जाएगा। अब आप सोचिए आपका कोई भी फील्ड हो, कोई भी नीश हो जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बना के रखा था, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नीश को कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आपने कंफर्म कर लिया आपका वेबसाइट किस टॉपिक पे बनेगा, तो उसके लिए आपको अपने बाकी सोशल प्रोफाइल्स को भी एक्टिव कर देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इवन यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअसली आंसर्स जो है लोगों को देना पड़ेगा, इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ बना रहना चाहिए, तब जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आप डोमेन परचेजिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन आपको फिशिंग के बारे में आइडिया है, तो आप चाहे तो अमेजन के फिशिंग के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर आप लिंक देने की कोशिश करोगे तो आपका जो है कोरा अकाउंट वो बैन हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे इंटरेक्शन करना है, आपको सही से जवाब देना है, उसके बाद आप चाहे तो अपने लाइंस के अंदर ही हाइपर लिंक क्रिएट करके आप अपना वेबसाइट का लिंक जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप अमेजन का लिंक डायरेक्टली ही दे सकते हैं क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, अमेज़न से भी हो जाएगा साथ ही साथ में कोरा से भी हो जाएगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आशा करूंगा आपको ये कोरा का जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रमोशन का आइडिया है ये अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।